हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक द क्लास ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एंजाइम अपना एक्शन किस मैकेनिज्म से शो करते हैं या व्हाट इज़ द बेसिस फॉर एंजाइम एक्शन। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन विच आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और कोई भी एंजाइम जो होता है, जो एक्टिव एंजाइम है, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। वो मिलकर बना होता है एपो एंजाइम से एंड कोफैक्टर से, ठीक है। तो अगर हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात करें तो एंजाइम एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है कंपैरेटिवली टू सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। और जो एंजाइम होता है, एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। अब ये एक्टिव साइट बेसिकली बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट से मिलकर बनी होती है। अब इसी बाइंडिंग साइट पर आपका सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करता है जब भी आप कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इन जनरल टर्म बहुत बार हम बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, पर बेसिकली एक्टिव साइट जो होती है वो बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट से मिलकर बनी होती है। अब ये जो बाइंडिंग साइट एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको आप सपोज़ कर सकते हैं एक पॉकेट की तरह, जिसमें कोई सबस्ट्रेट जाकर फिट हो जाता है। अब इस बाइंडिंग साइट का जो कन्फर्मेशन होता है या जो स्ट्रक्चर होता है, और सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर होगा और कन्फर्मेशन होगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। जब सबस्ट्रेट और बाइंडिंग साइट एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो वहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग साइट के बीच में कई सारे बाइंडिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक प्रोसेस हैं आपके, जैसे कि वहाँ पर हो सकता है आयनिक अट्रैक्शन, जिसमें कि आप सपोज़ करें कि आपके सबस्ट्रेट के पास एक अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है और हमारे एंजाइम के पास एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब क्योंकि अमोनियम ग्रुप पे पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन होता है, तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप और अमोनियम ग्रुप के बीच में एक आयनिक अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, जो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग में। तीसरा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस, जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में यूजुअली होते हैं। तो इन बेसिक तीन फोर्सेस के थ्रू सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग साइट में बाइंडिंग होती है, या वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये है आयनिक प्रोसेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। अभी हमने बताया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कैटालिटिक साइट क्या करती है? कैटालिटिक साइट सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल चेंजेस लाती है, ठीक है। इसका साइज बाइंडिंग साइट के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। अब जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन जो वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं वो होता है दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी और दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी का वो अमाउंट है जो किसी एनर्जी को रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, या अगर हमें दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाना है तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। यही रीज़न है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन हो पाती है, ठीक है। एंजाइम एक्शन के लिए दूसरा तो नहीं कहेंगे इसे, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिशिएंट बाइंडिंग हो, जिससे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। जितनी एफिशिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, उतना ही एफिशिएंटली आपका प्रोडक्ट बनेगा या उतना ही एफिशिएंटली आपकी रिएक्शन रन
करेगी, ठीक है। क्योंकि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत क्रूशल है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, और बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि एंजाइम और सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितना एफिशिएंटली हो रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई साइंटिस्ट द्वारा, जिसमें कि पहली थ्योरी है हमारी लॉकेन की थ्योरी या फिशर थ्योरी, ठीक है। ये सबसे पहले दी गई थ्योरी है जो एमिल फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी। इस थ्योरी के की पॉइंट क्या है? इस थ्योरी में माना गया है कि जो एंजाइम का कन्फर्मेशन होता है या जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड इन नेचर होता है। अब एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है और जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट की विसिनिटी में आएगा, दोनों के बीच में बाइंडिंग प्रोसेस होंगे, अभी जो हमने पहले डिस्कस करे हैं, दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी। अब क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सबस्ट्रेट एग्जैक्टली जाकर बाइंडिंग साइट पर फिट हो जाएगा, ठीक है, जो आगे जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो प्रोडक्ट की फॉर्म में वहाँ से रिलीज होगा, एंजाइम वापस अपना फ्री फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे की पॉइंट इस थ्योरी में ये है कि यहाँ पर एंजाइम की नेचर को रिजिड माना गया है, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहली थ्योरी है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस थ्योरी के कई सारे ड्रॉबैक भी हैं कि ये बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स का, ठीक है। इस पर हम आगे बात करेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी है आपकी लॉक एंड की मॉडल या फिशर थ्योरी, जहाँ पर माना गया है कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों का स्ट्रक्चर या एंजाइम की बाइंडिंग साइट और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन एंजाइम का जो कन्फर्मेशन है या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड इन नेचर होता है। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की विसिनिटी में आता है, तो डिफरेंट बाइंडिंग प्रोसेस के थ्रू ये सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट पर जाकर फिट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इस चीज़ को आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कोई की जाके किसी लॉक में फिट हो जाती है, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है कि ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके बाद में सेकंड थ्योरी जो हमारी आई वो है हमारी इंड्यूस फिट थ्योरी या कॉशलैंड मॉडल, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए कॉशलैंड, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। हालांकि ये थ्योरी कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज़ करती है एमिल फिशर थ्योरी के, लेकिन इस थ्योरी में कुछ चेंजेस हैं लॉक एंड की थ्योरी के कंपैरिजन में, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमारी रिजॉल्व कर देती है, बहुत सारे फिनोमिना को हमारे एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो एंजाइम है, एंजाइम का नेचर रिजिड इन एंजाइम जो होता है वो रिजिड इन नेचर नहीं होता है। जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम की विसिनिटी में या प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट में कुछ ऑल्ट्रेशन करता है, जिससे कि वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में बहुत ही एफिशिएंटली फिट हो पाता है, ठीक है। और ये ऑल्ट्रेशन इस वजह से करवा पाता है क्योंकि एंजाइम एक फ्लेक्सिबल नेचर शो करता है, और जैसे ही ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम से रिलीज हो जाता है, तो एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वो अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल कन्फर्मेशन में वापस आ जाती है, ठीक है। इस थ्योरी का एडवांटेज ये है कि ये लॉक एंड की थ्योरी के जितने ड्रॉबैक थे उन सब को एक्सप्लेन करता है, या जो ऐसे फिनोमिना थे जिनको लॉक एंड की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उनको ये एक्सप्लेन कर पाता है, जैसे कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी में माना गया है कि जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट की विसिनिटी में आता है, तो ये सबस्ट्रेट तो एंजाइम की बाइंडिंग साइट में ऑल्ट्रेशन करवाता ही है, साथ ही में
इस सबस्ट्रेट में भी इन ऑल्ट्रेशन की वजह से कुछ स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जब ये स्ट्रेन्ड सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट में जाकर फिट हो जाता है, अब ये बाइंडिंग बहुत ही एफिशिएंट होती है, लेटर ऑन इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट में और फिर ये वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये एक एडवांसमेंट ही है हमारे कॉशलैंड मॉडल का, ठीक है। तो ये तीन बेसिक थ्योरी हैं जो हमारा एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन है आपकी एमिल फिशर थ्योरी या लॉक एंड की थ्योरी, सेकंड है आपकी कॉशलैंड मॉडल या इंड्यूस फिट थ्योरी, और थर्ड है आपकी सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, जिसमें कि माना गया है कि सबस्ट्रेट भी एक फ्लेक्सिबल नेचर शो करता है और एंजाइम भी एक फ्लेक्सिबल नेचर शो करता है। सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग साइट में कुछ ऑल्ट्रेशन करता है और इन ऑल्ट्रेशन की वजह से सबस्ट्रेट के अंदर एक स्ट्रेन आ पाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।